रास्ते अजीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं। सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सबके अपने नसीब होते हैं। अब तक राजीव सिन्हा पुलिस स्टेशन में अपनी मौत की रिपोर्ट लिखवाते हुए इंस्पेक्टर विजय पांडे के सामने मर जाता है। पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर विजय पांडे को एडिटर रावत बताता है कि राजीव सिन्हा का खून उसकी बीवी शिप्रा ने जहर देकर किया है। उस तूफानी रात में शिप्रा जूनियर इंस्पेक्टर सावंत के साथ अपने पति की लाश की शिनाख्त के लिए मुर्दा घर पहुंचती है और उसकी लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। इंस्पेक्टर विजय मुकेश अग्रवाल से उसके और राजीव के आपसी संबंधों के बारे में पूछताछ करता है। मुकेश अग्रवाल बताता है कि राजीव उसका व्यापारिक सलाहकार था। पूछताछ के दौरान वो ये जानकारी भी देता है कि उसने श्रीमती रमा दुग्गल को कुछ छिपाते हुए देखा था, जो शायद रिवॉल्वर भी हो सकता है। और दूसरी तरफ कमिश्नर दुग्गल के कमरे में दाखिल होते साथ ही रमा और उस्मान हड़बड़ाकर चुप हो जाते हैं और उस्मान कमरे के बाहर चला जाता है। कमरे के बाहर जगमोहन गुप्ता गुस्से से उस्मान को लपक लेता है। उस्मान जगमोहन को बताता है कि रमा और उसके बीच पैसे का लेन देन चलता है। ये बात सुनकर जगमोहन उस्मान को डांटता है और बताता है कि रमा कमिश्नर दुग्गल की बीवी है। इधर ममता इंस्पेक्टर विजय पांडे को बताती है कि उसने कमिश्नर और रमा को आपस में झगड़ते हुए देखा था और उसके कुछ देर बाद उसने कमिश्नर और राजीव सिन्हा को भी आपस में काफी गर्मी से बहस करते हुए देखा था। ममता बताती है कि उसे शक है कि ये खून कमिश्नर दुग्गल ने किया है। फिर आप बहुत थके हुए लग रहे। अस्पताल में क्या हुआ साहब? पोस्टमार्टम तो दोपहर में होगा सर। मैडम अभी तक विश्वास ही नहीं कर पा रही है कि उनके पति मर गए। अंदर सॉरी, मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपकी और मिस्टर राजीव सिन्हा की शादी कब हुई थी? एक साल हुआ, परसों ही तो उन्होंने अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाई, और आपने की कब से उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हैं। भाई जी साहब कहाँ है? वो आपके साथ कल बाहर गए थे ना, कहीं वापस बाहर तो नहीं चले गए? मिस्टर सिन्हा, क्या सच है कि मिस्टर राजीव सिन्हा अक्सर विदेश जाया करते थे? सिन्हा, मैं आपकी मजबूरी को समझता हूँ, लेकिन अगर इस वक्त आपका थोड़ा सा सहयोग मिल जाता और आप मेरे चंद सवालों का जवाब दे दी तो आपका बहुत उपकार होता। और हाँ, क्योंकि ये मामला ही कुछ ऐसा है मिसेस सिन्हा, अगर आप ये शहर छोड़कर कहीं बाहर जाने की सोचें तो एक बार प्लीज जरा पुलिस को बता देना। मुझे कहीं नहीं जाना, शहर छोड़कर सिन्हा, मैं तो इसीलिए कह रहा था क्योंकि देखिए, अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो हम आपके पति के हत्यारे को कैसे ढूंढ पाएंगे? मुझे
सॉरी सॉरी वाइफ कई बार फोन कर चुकी है, रात भर फंसे रहे, उसे खबर ही नहीं की। कैन आई गो होम? आप भी थके? नॉट गोइंग होम? कैसा होम? कौन सा होम सावंत? यहां पे तो थाने में सोना है, होटलों में खाना खाना है, और फिर किसी गोली का शिकार बनकर अस्पताल में मर जाना है। नामदेव, नामदेव। यस सर। वो चने लेके आए थे, तुम कहाँ गए? वो परसों लेके आए तो साहब, आपको भूख लगी है? थोड़ा देर इंतजार कीजिए, सामने वाला कैंटीन अब भी खुल जाएगा, फिर मैं लेके आता हूँ। तभी तक कौन इंतजार करेगा? वो चने किधर गए यार? साहब वो तो नहीं, वो क्या फर्क पड़ने वाला है आपको? मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। अबे सलाह तो मैंने अपने बाप की भी नहीं मानी कभी, और तू तो कोई पतली हवा का मिस्टर एक्स मालूम होता है। लेकिन मेरी सलाह मान लीजिए विजय पांडे साहब, आप राजीव सिन्हा वाली फाइल बंद कर दीजिए, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे इंस्पेक्टर। मिस्टर रावत, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो किसी शराब खाने में होना चाहिए था। यार तो पुलिस वालों के तीर से आंख होती है क्या? इंसान को सूंघ के पहचान लेते हैं दोस्त। क्या पिएगा? चलो इस वक्त चाय से ही काम चला लेते हैं। हाँ। एक कड़क चाय लेते। ये टाइम गरम गरम भजिया भी अच्छी मिलती है, लेके आओ। अरे नहीं खाते यार मैं भजिया, तुझे मालूम मैं लिक्विड डाइट पे रहता हूँ। चलेगी। विजय, मैं दरअसल तेरे पास अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए आया हूं। ऐसी भी क्या बात है यार? बात है यार,
उस दिन मैंने तुझसे कहा था कि मिस्टर सिन्हा का कत्ल उसकी बीवी ने किया है। हाँ, अच्छे खासे नशे हुए थे उस दिन। वो मेरी गलती थी और उसी को सुधारने के लिए मैं आया हूँ। वो कैसे? यार, जब मैंने मिसेस सिन्हा के बारे में कुछ जानकारी हासिल की तो मुझे लगा यार उस लेडी के बारे में ऐसा सोचना तो पाप है। मुझे वाकई में बहुत तकलीफ हुई। सुबह का भूला शाम को वापस आ गया। आपकी सोचने का ढंग बदल गया। ऐसे ही समझ ले तू। यार मैं यही सोचता रहा कि यार आखिर क्या हक है हमको किसी दूसरे के बारे में जजमेंट पास करने का। मैंने सुना यार वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। प्यार तो करते थे यार। तू भी मेरी बात मानता है ना? बात तो सही कह रहा है यार रावत। कई बार हमारे सोचने के ढंग से किसी और की जिंदगी का सर्वनाश हो जाता है यार। अब इसी को देख लो। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक राजीव सिन्हा की बीवी शिप्रा एक बहुत ही अच्छे खानदान की लड़की थी। कलकत्ता के शांति निकेतन में वो पढ़ रही थी, वहां बेचारे के माँ बाप का देहांत हो गया एक रोड एक्सीडेंट में। एक एग्जीबिशन में उसकी मुलाकात राजीव सिन्हा से हुई। उन दोनों में प्यार हुआ, मोहब्बत हुई और बड़ी खूबसूरत और मीठी सी जिंदगी गुजार रहे थे वो दोनों। इसीलिए मिसेस सिन्हा को कानूनी झंझट और शक से उबारना हमारे फर्ज है। और ये बात मैं कह रहा हूँ। हालांकि मैं किसी भी चीज को उसकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं लेता, लेकिन आई एम डेड श्योर कि ये काम उसका नहीं है। चलो यार रावत, लेट्स होप जो तुम कह रहे हो ठीक हो। वैसे इस केस की प्रोग्रेस क्या है? कुछ नहीं, ऑफिशियल लेवल पे कुछ नहीं, पर हाँ एडी। या क्वेश्चंस? राजीव, आर का मतलब रानी चौहान भी हो सकता है। रानी चौहान? उस दिन बड़ी सज धज कर मेरिन ड्राइव से लग रही थी वो। शी वाज डेस्ट टू किल। राहुल, राहुल मल्होत्रा, यू विल जस्ट हैव टू स्टॉप दिस। तुम ये रोज रोज फूल और चॉकलेट क्यों लेकर आते हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है? आपको लाल गुलाब नहीं पसंद? मुझे चॉकलेट भी पसंद है, लेकिन ये रोज का चक्कर अच्छा नहीं है। बाहर इतनी धूप चढ़ी हुई है, इतनी गर्मी है, फिर भी तुम चले आए बसों में धक्के खाते हुए। I'm sorry, मैंने आपको नाराज कर दिया। मैं नाराज नहीं हूँ। लुक राहुल, वी कैन बी गुड फ्रेंड्स। तुम अपना वक्त क्यों बर्बाद करते हो? हमेशा मेरे आसपास मंडराने से बेहतर है तुम अपने भविष्य, अपने करियर के बारे में सोचो। I'm sorry. चलो, गो बैक टू योर ऑफिस। तुम्हारा कंप्यूटर इंतजार कर रहा है। मैं यहाँ थोड़ी देर बैठकर आपसे बात नहीं कर सकता? नॉट राइट नाउ, आई एम इन अ बिट ऑफ अ हरी। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ। कहाँ? शहर से बोर हो रही इसलिए सोचा दार्जिलिंग चली जाऊं, वहां थोड़े दिन रिलैक्स कर लूंगी। लेकिन आप तो जा नहीं सकती। क्या मतलब? आपने आज अखबार नहीं पढ़ा? क्यों, कोई खास बात है उसमें? आपका नाम छपा है। राजीव सिन्हा की हत्या में जितने लोग मौजूद थे सबका छपा है। तब तो मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। अखबार में ये भी छपा है कि मुकेश अग्रवाल की पार्टी में जितने लोग मौजूद थे वो पुलिस को इत्तला किए बिना शहर से बाहर नहीं जा सकते। अजीब मुसीबत है। मेरा ख्याल है तुम्हें चलना चाहिए, मैं जरा आराम करना चाहती हूँ अकेले में। अब मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ जाऊँ एकदम चुपचाप? फिलहाल नहीं, अब तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ।
हाय। मुसीबत है यार। आप ढंग से सोए कि नहीं रात को? आप भी करवटें बदल रही थी। माचिस कहाँ? किचन में। क्या देख रही हैं आप? हाँ, हंसी आ रही है? हंसी है, हंसी है। और कर भी क्या सकती हैं आप? बस मेरी मजबूरी है, बैठ के हंस सकती हैं। आज मेरे घर में बीवी होती तो सुबह उठ के मुझको चाय पिलाती, मुझे नाश्ता देती। आपकी तरह वहां बैठ के हंसती नहीं हो। मैं आपके सौतन लाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं आप सौतन से बहुत डरती हैं। बीवी का ये है कि बीवी हो तो अच्छा रहता है, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाएगी, मेरे लिए नाश्ता बनाएगी, हम दोनों को उठाएगी, हाँ आराम रहेगा। बिस्किट खाएंगे? आइए। अब माफ करना, मैं आपको सिर्फ बिस्किट ही खिला सकता हूँ। आपने फ्रिज देखा ना, खाली है। तो जब से राजीव सिन्हा का केस मेरे सिर पे आया ना, और कुछ सोचता ही नहीं मुझको। क्या दिन क्या रात, क्या करें। फर्ज भी तो कोई चीज होती है, इंसानियत का फर्ज, ड्यूटी का फर्ज, ईमानदारी। मुश्किल पता है किस बात की? मुझसे शिप्रा का दुख बर्दाश्त नहीं होता। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। मैं जानता हूं आप शिप्रा को जानती नहीं, लेकिन मेरी दोस्त होने के नाते आप मेरा दुख तो बांट सकती हैं। क्या केस की प्रोग्रेस? कुछ नहीं है केस की प्रोग्रेस, सब सोए पड़े हैं। यहां डीले, वहां डीले, कोर्ट में सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं चादर ओढ़कर। सरकार से पगार लेते हैं और काम के नाम पे धोखा। मैं जानता हूं कि तुम चाहती हो मैं जाके कमिश्नर दुग्गल से बात करूं। करूंगा, जरूर करूंगा। मुकेश अग्रवाल की पार्टी में जैसे और लोग थे वैसे मैं भी था, इसलिए मुझ पर शक करना चाहे से। तुमने जो किया ठीक किया है। ये मामला इतना आसान नहीं है सर, मैं खास तौर से आपकी बात कर रहा हूँ। क्या मतलब? सर मतलब ये कि सबूत आपके खिलाफ हैं सर। इंस्पेक्टर, मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि राजीव सिन्हा जिसका मर्डर हुआ है उसे मैं बिल्कुल नहीं जानता।
और दूसरी बात, मुकेश अग्रवाल से भी मेरी कोई लंबी चौड़ी जान पहचान नहीं है। जैसा कि तुम जानते हो कि पार्टीज में जाने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, उस दिन मैं अपनी बीवी रमा के इंसिस्ट करने पर पार्टी में आया था। मतलब आप मैडम के कहने पर वहां गए थे? I'm sorry सर, लेकिन आपकी अपनी बीवी से ताल्लुकात कुछ इंस्पेक्टर विजय, मुझे तुम्हारे अंदर अपनी छवि नजर आती है। एक समय में मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह था, तुम्हारी तरह लापरवाह, उजड, बदतमीज, कदम कदम पर लोगों को बेइज्जत करता था। मुझे लगता था कि ऐसा करने से मैं पुलिस डिपार्टमेंट का सुपरमैन बन जाऊंगा, हीरो बन जाऊंगा। इन्हीं बदतमीजियों की वजह से मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से सस्पेंड भी किया गया था। लेकिन तजुर्बे, जिम्मेदारियों ने मुझे धन बना दिया। एंड आई एम श्योर विजय, एक दिन जब तुम मेरी कुर्सी और मेरे ओहदे पर बैठोगे, तुम खुद ब खुद समझ जाओगे। मैं कुर्सी का मोहताज नहीं हूँ सर, कुर्सी का फेर अच्छे अच्छे लोगों को बदल देता है। चेहरे बदल जाते हैं, ईमान बिगड़ जाता है। मैं ऐसा ही खड़ा ठीक हूँ सर। हेलो कमिश्नर तोगल, आप कौन बोल रहे हैं? ये पुलिस कमिश्नर तोगल का ऑफिस है ना? आप बोल कौन रहे हैं? फोन पुलिस कमिश्नर को दीजिए। आपका फोन है सर। हेलो, ओके, राजीव मर्डर केस सभी इसी वक्त बंद करना होगा। दिस इज माय ऑर्डर। मौत एक ख्याल है जिंदगी की तरह, ओ मौत एक ख्याल है जिंदगी की तरह, एक नींद